हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। 10th पास सरकारी भर्ती 2024 की इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं, और ये जो भर्ती रहेगी ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। सो अगर आप 10th पास हैं, कम से कम आप 10th पास हो, भले ही फिर आप अगर आपने 12th भी किया है और आप इंटरेस्टेड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। सैलरी अप टू 70,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। स्थायी भर्ती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने अपना 10th कंप्लीट किया हो एलिजिबल रहेंगे। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर है, एप्लीकेशन फीस है, ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स, इसको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। तो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने डाउनलोड किया और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको साइट बताऊंगी, उस साइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिए। टोटल यहाँ देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं, जिसमें ड्रेसर वेटनरी एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कैनल मैन इनके लिए है। तो मेल फीमेल ये दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो कैनल मैन है इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टोटल वैकेंसीज पोस्ट वाइज आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए है, जिसमें 97 मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए 18 हैं। अब इसमें टोटल यहाँ पर जो एनिमल ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है वो 115 हैं। ओके, ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पर ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, एंड यहाँ इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। ये पोस्ट यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, एनिमल ट्रांसपोर्ट कैनल मैन एंड ड्रेसर वेटनरी। ये यहाँ पर जो ड्रेसर वेटनरी है ये तो यहाँ हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कैनल मैन ये दोनों कांस्टेबल पोस्ट हैं। एंड एप्लीकेशन इसके 12 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, एंड इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10 सितंबर, 10th of September 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ITBP की रिक्रूटमेंट जो वेबसाइट है उस साइट पर है, यहाँ पर आप ये लिंक देख रहे हैं, ये आपको लिंक भी दिया गया है, तो ये वेबसाइट आप सर्च करेंगे और अप्लाई कर सकेंगे। हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है इसके लिए लेवल 4 से सैलरी है 25,500 से 81,000, एंड जो दो पोस्ट है कांस्टेबल की, एनिमल ट्रांसपोर्ट एंड कैनल मैन, और सबसे ज़्यादा एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए ही है। इसमें इनिशियल सैलरी 21,700 है, लेकिन यहाँ पर आप 70,000 तक की सैलरी ले सकते हैं। डिफेंस की जॉब है, सो अदर जो अलाउंसेज हैं काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, काफ़ी अलाउंसेज यहाँ दिए जाते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 27 साल एज होनी चाहिए, एंड कांस्टेबल जो एनिमल ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है इसके लिए 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, और ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ हम 10th पास की भर्ती की बात कर रहे हैं, तो एनिमल ट्रांसपोर्ट पर ही सबसे ज़्यादा 115 वैकेंसी हैं, और ये सिर्फ 10th बेस पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10th पास इसमें मांगा गया है। बाकी कैनल मैन के लिए 4 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए, उस पर भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड कट ऑफ डेट आपकी 10 सितंबर रहेगी, यहाँ पर 10 सितंबर 2024 से आपकी एज, क्वालिफिकेशन, सारा सब कुछ आपका अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट से देखी जाएगी। रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से देख लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट, जो भी। अब इसमें आपके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की जॉब है तो इसमें फिजिकली फिट होना जरूरी है। एंड क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, तो यहाँ हाइट जो रखी गई है दोनों ही पोस्ट, जो हेड कांस्टेबल एंड कैनल मैन, इनके लिए पहले हम देख रहे हैं, तो कैनल मैन के लिए आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें एनिमल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी, हम फोकस इसी पोस्ट पर कर रहे हैं, तो इसमें जो हाइट आपकी रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है।
उसके बाद यहाँ पर चेस्ट मेल के लिए 80 to 85 सेंटीमीटर है। अब आप ये जो यहाँ पर हिली एरियाज कुछ दिए गए हैं, कुछ स्टेट्स यहाँ पर कवर की गई हैं ईस्ट की, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 165 मेल के लिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। वहीं अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो फिर 162.5 मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर हाइट फीमेल के लिए रखी गई है। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग रहता है, चार्ट दिया रहता है तो उसमें रहेगा। मेडिकली फिट आपका यहाँ पर आई साइट वगैरह चेक की जाएगी, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे। अप्लाई ऑनलाइन करना है। एप्लीकेशन मोड, एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। बाकी यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए यहाँ पर फीस माफ़ है, कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ओके, सो सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर आपका फेज़ वन जो आपका सबसे पहले आपका यहाँ पर होगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 7.5 मिनट का टाइम है मेल के लिए, हाई जंप लॉन्ग जंप यहाँ दिए गए हैं, 3-3 चांस। फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग है, 4.45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, लॉन्ग जंप हाई जंप यहाँ पर भी। ओके, अब ये जो पीईटी है, पीईटी के लिए क्लियर करने के बाद आपका होगा पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट वगैरह चेक की जाएगी। इसके बाद आपका होगा यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन, जो टोटल 100 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 मार्क्स यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, या आपको पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है किस किस से क्वेश्चन किस पोस्ट पर किए जाएंगे। तो ये कॉन्स्टेबल ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो यहाँ पर दिया गया है, 25 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। कम से कम अगर आप अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 35% लाना जरूरी है, एससी एसटी को 33% लाना जरूरी होगा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। एमसीक्यूज टाइप्स आपका एग्ज़ाम होगा, एक क्वेश्चन के आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो सही होगा वो आपको यहाँ टिक करना होगा। ओके, सो ये आईटीबीपी से वैकेंसी है, ऑल इंडिया में आपको इसके सेंटर मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ पर रहेंगे ये आपको लिस्ट दी जाएगी। तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 10th पास हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि एनिमल ट्रांसपोर्ट जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।